कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। श्रमिक भाइयों और बहनों, आज हम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम यानी ईएसआईसी के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक कविता से। अगर है ईएसआईसी के इन सवालों के जवाब, तो समझो तुम हो गए स्वास्थ्य की परेशानियों से पूरी तरह से आजाद। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने आया हूँ, काम के साथ स्वास्थ्य के सवालों की कहानी। यह कहानी मेरी अपने ही है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक कंपनी में एक श्रमिक के तौर पर काम करना शुरू किया। वहाँ पर मुझसे ईएसआईसी में पंजीकरण के लिए कागज मांगे गए। मेरे मन में उत्सुकता जागी कि आखिर इस योजना में पंजीकरण करने से मुझे क्या फायदा होगा। मैं इस विषय में जानकारी लेने कंपनी के मैनेजर के पास पहुँच गया। मैंने वहां जाकर कुछ सवाल पूछे कि आखिरकार इससे क्या फायदे हैं, कैसे हम ईएसआईसी में अपने और परिवार का पंजीकरण करवा सकते हैं, कैसे इससे हम लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहला सवाल मैंने पूछा कि ईएसआईसी आखिर है क्या। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए सरकार ने अलग अलग तरह की सुविधाएं दे रखी हैं, जो आम आदमी के लिए बेहद ही फायदेमंद है। इन्हीं में से एक ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना है। दरअसल कम आय वाले कर्मचारियों अथवा कामगारों के स्वास्थ्य लाभ के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस बीमा योजना को उपलब्ध करवाया है। निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलता है। इस योजना में पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों को एक कार्ड दिया जाता है, जिसे ईएसआईसी कार्ड कहते हैं। देश भर में ईएसआईसी के 150 से भी अधिक अस्पताल हैं, जहां सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों तक के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। परंतु जानकारी के अभाव में कामगार पैसा कटाने के बावजूद भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पाता है। फिर मैंने उनसे जानना चाहा कि ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहाँ कहाँ लागू होता है। उन्होंने जवाब दिया कि यह गैर सरकारी या प्राइवेट संस्थान या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित सभी कर्मचारी या कामगार जहां पर 10 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं, उन सभी जगहों पर यह कानून लागू होता है। जैसे निजी कंपनियां, फैक्ट्रियां, कारखाने, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, पावर लूम, स्कूल, चिकित्सालय, प्राइवेट कार्यालय आदि। यह सुनकर मैंने तीसरा सवाल पूछा कि इसके लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं। उन्होंने बताया कि ईएसआईसी योजना के लिए नियोक्ता की तरफ से ही रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसके लिए कर्मचारियों को अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होती है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज कर्मकार का आधार कार्ड और बैंक की जानकारी चाहिए। इससे बीमाधारी का ईएसआईसी पहचान पत्र बन जाता है। ईएसआईसी की योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह कार्ड बहुत आवश्यक होता है। फिर मैंने अपना अगला सवाल पूछा कि इस बीमा के आखिर क्या क्या फायदे हैं। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी तो ये कि बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को मुफ्त इलाज मिलता है। इसके अलावा बीमित व्यक्ति को बीमार के दौरान एक वर्ष के अंदर छुट्टी के लिए 91 दिनों की नगद भुगतान किया जाता है। बीमित व्यक्ति को अस्थायी निःशक्तता की स्थिति में ठीक होने तक और अस्थायी निःशक्तता की स्थिति में ईएसआईसी के ओर से पूरे जीवन मासिक पेंशन की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा आश्रितों को पेंशन, बेरोजगार भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिलती है। अगर इलाज के दौरान बीमित व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो अंत्योष्टि व्यय के तौर पर उसके परिवार के सदस्यों को 15,000 रुपये भी दिए जाते हैं। बीमाधारी के दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके आश्रित जनों के लिए पेंशन की सुविधा भी है। वहीं महिलाओं के लिए मातृत्व हित लाभ के तहत 6 महीने की छुट्टी और अन्य कैश लाभ की सुविधा भी है।
अचानक से कारखाना बंद होने या काम से निकाले जाने या विकलांगता के कारण बेरोजगार होने पर भी निश्चित समय अवधि के लिए बेरोजगार भत्ता या वोकेशनल ट्रेनिंग के भी प्रावधान हैं। अधिकतर सेवाएं कैशलेस हैं, ऐसे में समय पर संबंधित डिस्पेंसरी में सूचना देना आवश्यक है। इनके सुनने के बाद मैंने अपना पांचवा सवाल उनसे पूछा कि हम काम के दौरान बीमार पड़ गए तो काम से छुट्टी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसका जवाब आया कि डिस्पेंसरी से बीमाधारी को दो प्रतियों में छुट्टी का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में व दूसरी ब्रांच ऑफिस में जमा करवानी होती है। अन्य हित लाभ से संबंधित दस्तावेज भी ब्रांच ऑफिस में ही जमा करवाने पर लाभ प्राप्त होगा, परंतु इसके लिए उसको अपने अधिकृत अस्पताल में छुट्टी के लिए इलाज के साथ में बीमारी हित लाभ का आवेदन किया जाना चाहिए। अगला सवाल मैंने पूछा कि इस योजना में कर्मचारी या कामगार को मेडिकल लाभ लेने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। जवाब आया कि इसके मुख्य रूप से चार शर्तें हैं। पहला, इस योजना में पंजीकृत व्यक्ति व उसके परिजन को ईएसआईसी के जरिए अधिकृत डिस्पेंसरी में इलाज के लिए संपर्क करना होगा। अगर व्यक्ति जहां रहता है वहां ईएसआईसी डिस्पेंसरी नहीं है तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में जांच कराएगा। दूसरा, गंभीर बीमारी या दुर्घटना की दशा में व्यक्ति को ईएसआईसी डिस्पेंसरी या पीएचसी अथवा अधिकृत अस्पताल से ही इलाज करवाना चाहिए। इमरजेंसी या दुर्घटना की स्थिति में अन्यत्र इलाज होने पर 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना अधिकृत ईएसआईसी डिस्पेंसरी को देनी होती है। तीसरा, अधिकृत ईएसआईसी अस्पताल में उपचार के लिए जाने पर व्यक्ति को प्राथमिकी उपचार के बाद अथवा शुरुआती परामर्श के पश्चात इलाज की उपलब्धता नहीं होने पर वहां से रेफर करवाना आवश्यक है। चौथा, रेफर कराने के लिए व्यक्ति को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है, जैसे अंशदान से जुड़ी जानकारी आदि। ऐसे में उसको अपने कार्यालय के एचआर या प्रशासनिक विभाग से संपर्क करना चाहिए। रेफर होने के बाद जिस अस्पताल में आपको भेजा गया है वहीं इलाज करवाना चाहिए। ये सभी फायदों के बारे में सुनकर मेरा अगला सवाल था कि क्या ये सभी सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। जवाब आया कि ये मुफ्त में नहीं है, इसमें हम एक अंशदान अवधि में मजदूर के औसतन दैनिक वेतन का कुछ भाग लेते हैं। मैंने फिर पूछा कि अंशदान अवधि क्या है। वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से मार्च माह की अवधि को दो भागों में बांटा गया है, अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च, इन्हें ही अंशदान अवधि कहा गया है। इसके बाद मेरे पूछने से पहले ही उन्होंने खुद ही बता दिया कि औसत दैनिक वेतन का मतलब क्या है। ईएसआईसी के तहत कामगार या कर्मचारी के दो अंशदान अवधि में प्राप्त वेतन के आधार पर औसत दैनिक मजदूरी निकाली जाती है, उस आधार पर ही भुगतान किया जाता है। हाँ, तो ये तो पता चल गया कि मासिक वेतन से अंशदान कटने के बाद इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ता है। मैंने ईएसआईसी से संबंधित ये सारे सवाल पूछे और मुझे इस बीमा के बारे में पूरी तरह से समझ में आ गया था। आशा है आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए फिर से दोहराते हैं उस कविता की लाइनें। इस बार आप भी हमारे साथ इस कविता को दोहराइएगा। अगर है ईएसआईसी के इन सवालों के जवाब, तो समझो तुम हो गए स्वास्थ्य के परेशानियों से पूरी तरह से आजाद।